मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में टेरर के बेटे ने फिल्मी जगत में किया नाम रोशन। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली से बड़े पर्दे पर जल्दी खतौली के युवा दिखाई देंगे, अपने जनपद का नाम करेंगे रोशन। बता दें कि टेलर मास्टर से फिल्मी दुनिया का सफर तय कर कस्बे का नाम रोशन किया। उन्होंने खुदाई फिल्म में कपल लवर्स की भूमिका अदा की। मुंबई से नववर्ष पर अपने परिजनों से मिलने पहुंचे युवा कलाकार का कस्बे वासियों ने गर्मजोशी से मिठाई खिलाकर फूल मालाओं से स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मार्च 2021 में रिलीज होने वाली फिल्म खुदाई में कपल लवर्स के रोल की भूमिका निभाने वाले खतौली के इस्लाम नगर में रहने वाले नसीम अंसारी का कस्बे पहुंचने पर उनके परिचितों और मित्र मंडली ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सभी ने नसीम अंसारी का हाल जाना। आने वाली मूवी खुदाई, जिसमें नसीम अंसारी सहित खतौली के कई कलाकारों ने काम किया, उन कलाकारों के बारे में भी मित्र मंडली ने जानकारी ली। नसीम अंसारी ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मलिन बस्ती में इनका परिवार रहता है। परिवार में चार भाई तीन बहनें हैं, जिसमें नसीम अंसारी आगे निकल गए। उनके पिता इकबाल अंसारी भी सिलाई का काम करते हैं। वो खुद भी टेलर का काम करते थे। पिछले 5 सालों से वो मुंबई में फिल्मी दुनिया में ब्रेक की तलाश में थे, लेकिन उन्हें ब्रेक नहीं मिल रहा था। खतौली के ही रहने वाले डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने उन्हें खुदाई फिल्म में कपल लवर्स का रोल करने का मौका दिया। फिल्म में जनपद के गांव संबलखेड़ा पंचमुखी मंदिर में भी सीन देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो यह मंदिर ऐतिहासिक है। फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। इस फिल्म के सीन एक्शन फाइटर बहुत दमदार हैं, जो दर्शकों को खूब रोमांचित लगेंगे। ये थी खतौली से डीडी टुडे के लिए राजीव शर्मा की रिपोर्ट। जी नईम बच्चन जी, आप खुदाई फिल्म के बारे में बताएं, आप कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, दर्शक कैसे जुटा पाएगी फिल्म? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। खुदाई फिल्म जो है बहुत ही अच्छी बनी है। उसमें हमारे खतौली के नसीम अंसारी साहब ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे इमरान राव साहब हैं, इन्होंने भी काम किया है। हमारे डॉक्टर सरफराज साहब शेखपुरे के हैं, उन लोगों ने भी काम किया है। और मैं समझता हूं कि इसमें दीगर बहुत ही बड़े बड़े कलाकार, मतलब इंडस्ट्री से हैं, जिनका नाम है श्री राज पंडित जी और अली खान साहब और अनिल धवन और रमेश गोयल जैसे, मतलब अपने हैदर बीच में है। कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैं बॉम्बे से यहाँ आया हूँ, मैं तो नए साल पर अपने परिवार से मिलने के लिए आया था, लेकिन खतौली वासियों को मैंने यहाँ देख करके अपने घर के बाहर जो भीड़ देखी मेरी, मैंने सर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन लोगों का प्यार है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदाई फिल्म में रोल निभाया है, क्या रोल है? सर मेरा खुदाई फिल्म के अंदर एक कपल लवर कपल का रोल है। कौन डायरेक्टर हैं, कौन संगीतकार हैं? सर इस फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और इस फिल्म को डायरेक्टर जो हैं यूसुफ अली खान साहब हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं कहूं कि ये अरुण कुमार सिंह बाबा जी हैं। किस कहानी पे ये फिल्म आधारित है? सर फिल्म जो है ये पुनर्जन्म की कहानी है, और इसके अंदर फाइट इतनी ज़बरदस्त फिल्म के अंदर फाइट दी गई है। आप सिनेमा में जिस वक्त देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई चीज़ देख रहे हैं। बहुत दर्शकों की भीड़ कैसे जुटा पाएंगे, क्या ऐसा कुछ है इस फिल्म में? सर फिल्म के अंदर तो बहुत कुछ है। एक तो इसके अंदर फाइट बहुत ज़बरदस्त है और फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है। कब ये फिल्म रिलीज होने जा रही है? सर देखो आपको पता है अभी तो ये कोरोना काल की वजह से पूरे हिंदुस्तान के सिनेमा अभी बंद हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2-3 महीने में जैसे ही सिनेमा खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फिल्म हम जल्दी से जल्दी रिलीज़ करेंगे। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो है पर्सन्स लोग हैं यहाँ, उन्होंने आपका स्वागत किया है? सर इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन लोगों का प्यार है और हमेशा इन लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। कितने समय पहले से आप फिल्मी दुनिया में जुड़े हैं? सर फिल्मी दुनिया में कहूँ तो मैं लगभग इसमें 5-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बॉम्बे से ही मैं इंडस्ट्री में जाता था आता था, कभी कोई ब्रेक नहीं मिला। क्या चाहती, किस लिए आप इसमें जुड़े हैं? सर ये मेरा बचपन से ही शौक था। स्कूल टाइम में ही प्रोग्राम होते थे स्कूलों में, मैंने वो प्रोग्राम किए हैं अपने।
मेरा रोल एक छोटा सा डॉक्टर का रोल है जिसमें मैंने अच्छी एक्टिंग की है उसके अंदर। बाकी तो आप लोगों की पसंद आए तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा डॉक्टरी का रोल है। तो उस वक्त जो है मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी हैं जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक रोल मुझे डॉक्टरी का दिया था। और यह है कि मैं कामना करता हूँ कि हमारी पिक्चर अच्छी से अच्छी हिट हो जाए।